Dear students, today I am going to start a new chapter percentage. This is chapter number 9 and I think you have learnt in class 7th and 6th also. Percentage. Per means in Hindi, per means prati or cent means 100. Percent. जैसे कहा जाए कि 20% आपने मार्क्स गेन किया है, तो 20% means 100 में आपने 20 मार्क्स किया गेन किया, और 20% आपने 200 में किया है तो 100 में 20 और 100 में 20 मीन्स 40 मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है 200। और आप पीछे वाले क्लास में पढ़े हैं परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और कैसे परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में करेंगे और फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में चेंज करेंगे। दिस इज एक्सरसाइज 9A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस इच आर द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन, मींस 48% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, चेंज 48% इनटू फ्रैक्शन। तो इस परसेंट को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम लोग अपान 100 कर देते हैं, 48/100, और इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 12 and 25, फोर से करेंगे 12 for 48 and 25 for 100, ये हो जाएगा। तो परसेंट को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे, और अगर सपोज करें 2/5 है, इसको परसेंट में अगर चेंज करना है तो इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100% सिंप्लीफाई कर देंगे 40%। मीन्स आपको परसेंट से फ्रैक्शन चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और रेशियो को भी कन्वर्ट करना होता है, जैसे योर क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंटेज, मीन्स 4:5 को आपको चेंज करना है परसेंट में, तो इट मे बी रिटेन 4/5 एंड इट मल्टीप्लाई बाई 120, तो इट विल बी 80%। हम लोग रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन को आपको पता है कि जब परसेंट में चेंज करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। अभी आपको बताना है, एक क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज द लार्जेस्ट 6 whole 2/3% 3% आर 3/20 आर 0.14%, विच इज लार्जर। सबसे पहले तीनों को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लें, और फ्रैक्शन में चेंज करके हम लोग ये चेक कर सकते हैं विच इज ग्रेटर, सो इट विल बी 16 3 18 20 20/3%। और परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, यू नो आर इसको हम लोग लिख सकते हैं 20/3 × 100 means it will be 1/50, and 3/20, it is given 3/20 and 0.14%, not percent, here is not percent, only 0.14, so it will be 14/100, and simplifying you will get 7/50. You may check which is greater, 1/15, 3/20, or
7 upon 50, which is greater. LCM इसका ले हम लोग, it will be I think 300. Which is largest? Means 3 upon 20. It is 45 upon 300. So 3 upon 20 is the largest. 3 upon 20 is the largest. Is the largest. You may check your answer. Answer आप check कर सकते हैं. Now we will solve some word problems related to this chapter. If 16% of a number is 72, find the number. This is the question number 9. Question number 9. If 16% of a number is 72, then find the number. Let the number be x. Let the number be x. Suppose करिए कि number x है, then according to problem, 16% of x is equal to 72, means 16 upon 100 into x is equal to 72, 25. So x equal to 72 into 25 upon 4, 18. 18 5 the 90 and 18 to the 36 and 945. 450 means 16% of 450 is equal to 70%. This is your answer. Now question number 17. Question number 17. The value of a machine depreciates every year by 20%. If the present value of machine be rupees 1,60,000, what was the its value last year? What was the value last year? Let present value of the machine. Present value of the machine. Of the machine is equal to rupees 1,60,000. 1,60,000 and depreciation per year equal to 20%. Let machine
मशीन BX लास्ट ईयर, लास्ट ईयर हम लोग सपोज कर लें कि मशीन की वैल्यू थी X, देन प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू X माइनस 20% ऑफ X, X माइनस 20 अपॉन 100 X इज इक्वल टू X माइनस X अपॉन 5 इज इक्वल टू 4X अपॉन 5 एंड इट इज इक्वल टू 160,000, इट इज इक्वल टू 160,000 इज इक्वल टू 4X अपॉन 5 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर 4X इक्वल टू 160,000 इंटू 5 अपॉन 4, तो इट विल बी रुपीज 4,522,00,000. सो the value of machine last value will be ₹2,00,000. Similarly, you may solve some other problems and I think you will complete the exercise 9A and I will solve some other problems in next video. Thank you.